समय की कदर करना सीखें। मोटिवेशनल स्टोरी। एक गांव में तीन एलडी डहाके रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़ढे लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बीआर आच गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे, और राजू खेती का काम जनता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सिख देने को सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई जिसमें ये लिखा था कि एक वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमाकर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़ड्डे की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पीआरएच भी रही थी। तीनों लोग उस लड़ड्डी के पास में गए। तभी राम ने लड़ड्डी से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़ड्डी ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़ड्डी ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस एलईडी अचकी को देने लगा। उसके बाद एलईडी की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूंगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं काम चोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय में अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़ड्डाकी से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़ड्डाकी का उन तीनों लड़ड्डाकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता के वसीयत ना मिले। तीनों एलडीडी आई के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड्ढे थे, लड़ड्डाकों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुहक हुआ कि तीनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए।
तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, इस समाज की जिंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मोटिवेशन का एज को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए और अपनी किडी रही मेहनत से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम कीजिए।